के आई थी रोल और समोसे पकौड़े और आलू बड़े वगैरह, तो मैंने गर्म किए हैं। रोल हैं, समोसे हैं और ये आलू बड़ा भी है, पकौड़े वगैरह ऐसी चीज़ें, स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। दवा मैंने खा रही हूँ, मैं खास से आई हैड 3 डोजेस, तो उससे काफ़ी अफाका है, मेरी आवाज़ में ख़राब है अभी भी, मतलब गला और आवाज़ दोनों, लेकिन पहले से जो है बेहतरी आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। और आगे और दवा खाऊंगी तो और बेहतरी आ जाएगी मज़ीद। अच्छा, और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक आई एम द लकीस्ट वन हु गॉट द वेरी लवली व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोस एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि मेरी इतनी अच्छी ऑडियंस है और वो मेरे स्टाइल को, जो कुछ मैं कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने की, आप लोग पसंद करते हैं उन ब्लॉग्स को, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला की, कि जिसने मुझे इतने स्किल्स दिए और आप लोग इसी तरीके से जो है मेरे ब्लॉग्स देखते रहें। अच्छा, आज ही मैं अपने बेटे को ना कुछ समर के ड्रेसेस सिलवा के लेके आई थी। एक्चुअली बच्चों की ग्रोथ होती है, पुराने कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो इस सीज़न में मैं आज जो है ना ये ड्रेसेस मैंने अपने बेटे के लिए हैं। एक तो ये मैरून में लिया है, मैरून टॉप है इसका, प्रिंटेड साइज स्लीव से बड़ी प्यारी नेट से बनी हुई है, और साथ इसके लाइनिंग वाला जो है ना शॉर्ट्स दिया हुआ है इन्होंने, और शॉर्ट्स की बड़ी अच्छी कटिंग बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत सा डिज़ाइनिंग हुई हुई है, शॉर्ट्स पे लाइनिंग वाला शॉर्ट्स है इसके साथ। नेक्स्ट ड्रेस जो है ये ऑरेंज और नेवी ब्लू या ब्लैक कह सकते हैं, नेवी ब्लू के कंट्रास्ट में है, इस पर बड़ी जो है ना 1 2 3 लिखी हुई है, और इसके अलावा इसका लोअर बहुत प्यारा है, नेवी ब्लू कलर में है ये इसका जो शॉर्ट्स है, और साथ ही एजेस पे जो है ना इस तरीके से उसी कपड़े को इन्होंने स्टाइल किया है। कमर में दर्द जो है ना बीबी आपके, वो मैट्रेस की वजह से नहीं हो रहा, आपके वज़न की ज्यादती की वजह से आपकी कमर में दर्द रहने लगा है। वज़न घटाने की ज़रूरत है आपको, मैट्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। और मुझे तो हैरत है कि मतलब अभी बच्चे वगैरह भी आपके जो हैं बेबी भी नहीं हुए, और उससे पहले ही आपकी कमर में दर्द रहने लगा, तो बाद में क्या होगा? क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी इतनी तकलीफ़ इंसान ख़वातीन उठाती हैं, प्रेगनेंसी में 10 अमराज लग जाते हैं, तो अभी से कमर का ये हाल है, तो वज़न घटाने की भी आपको ज़रूरत है, मेरा ये मशवरा है। वज़न की ज़्यादती की वजह से जो है ना ये कमर में दर्द वगैरह रहता है ख़वातीन के, तो मेरा मशवरा है कि वज़न घटाइए और कमर के दर्द से निजात पाइए, नया मैट्रेस लेने मत जाइए।